हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, ना ही तो ये ब्रेड है ना ही पकोड़ा, कुछ चलिए आज कुछ नया करते हैं। क्या आप इफ्तारी में एक ही टाइप की स्नैक खा खा के बोर हो चुके हैं? तो चलिए कुछ नया करते हैं, स्पेशल स्टार्ट करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने छोटा एक कटोरा सूजी लिया है, बारीक सूजी लेंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी होगा तो इसको हम पीस लेंगे। अब पेन को बिठाना है, जितना क्वांटिटी में हमारा सूजी है ना, वही मेथड से हम एक कटोरी इसमें पानी भी ऐड करेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। अब पानी उबलने लग चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और ऑयल ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बराबर। अब पानी प्रॉपर उबलने लग चुका है तो हमने सूजी को इसके अंदर में ऐड कर दिया है। स्पैचुला से मिला लेना है अच्छे से। सारा पानी हमारा एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने, तो अब हम इसको गैस ऑफ करने का साथ साथ ही इसका ढक्कन भी कवर कर देंगे ताकि इसका भाप से और अच्छे से कुक हो जाए। तो कवर को हमने हटा के पैन से एक प्लेट में ट्रांसलेट कर लेना है और इसको ठंडा होने देना है थोड़ी देर के लिए। तो हमारा सूजी ठंडा हो चुका है, अब इसको हम मसलते हुए अच्छे से डो तैयार करेंगे। अगर आपको टाइट लगे सूजी तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसको, जैसे हम आटा गूंद के इसको तैयार करते हैं ना, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते हुए इसको अच्छे से मसल मसल के हमें इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। हो सके पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो हुआ हो तो थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है डो, तो इसीलिए पानी हमें मिला लेना है। थोड़ा सा हम ऑयल भी हाथ में लेते हुए दोबारा से इसको चिकना करेंगे ताकि हमारा डो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। हम लगातार 3 से 4 मिनट इस डो को मसलने के बाद में प्रॉपर हमारा डो अच्छा से सॉफ्ट तैयार हो चुका है। बहुत सॉफ्ट हमारा डो तैयार हुआ है। अब इसको हम एक ऐसा नॉर्मल पॉलिथीन लेंगे और इसको रैप करके रख देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना भरे और हमारा डो जो टाइट ना हो दोबारा, इसलिए इसको सॉफ्ट ही रहने देने के लिए इस तरह से हम जुगाड़ू वाला एक पॉलीथीन से काम चला लेंगे। तो यहाँ हम अब फिलिंग तैयार करेंगे, इसके लिए हमने पैन बिठा दिया है। हमें ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, बस 1/2 टीस्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अगर इस नाश्ता को आप हेल्दी बनाना चाहते हो तो ऑयल का इस्तेमाल कम ही करें। और जीरा 1 टीस्पून साबुत चटकने लग गया है, इसको भी हमने ऐड कर दिया है। अब अपना मन पसंद का वेजिटेबल ले सकते हो, इस स्नैक का फीलिंग बनाने के लिए हमने लिया है। बारीक कटा हुआ ऑनियन 2 मीडियम साइज और 1/2 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ और गाजर लिया है 1/2 पीस बारीक कटा हुआ और ग्रीन चिल्ली साथ ही साथ स्पाइसी कम ज़्यादा करके 3 से 4 और अदरक लहसुन का दरदरा सा कुटा हुआ पेस्ट लिया है। इसका फ्लेवर को दुगना बढ़ाने के लिए आप इस फिलिंग को बनाने के लिए अपना मन पसंद का जितना चाहे उतना वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हो। हमें इस सब्जी को कुक ओवर नहीं करना है, क्रंच रहने तक ही हम इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट कंटिन्यू इस तरह से सोते करते रहेंगे ताकि हमारा ये जो वेजिटेबल है ओवर कुक भी ना हो और क्रंच भी रहे। इस तरह से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में। अब हमने 2 मीडियम साइज पोटैटो बॉईल किया हुआ लिया है ग्रेट करके, इसको भी इसी में मिक्स करेंगे। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसमें कुछ पाउडर मसाला का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया है आमचूर पाउडर खटास के लिए, आप इसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हो। स्वाद का हिसाब से कम ज़्यादा नमक लेंगे और कलर के लिए हमने रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है। हल्दी पाउडर कलर के लिए 1/2 टीस्पून लिया है। अब सारा पाउडर मसाला को भी इसी फिलिंग में हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा जो फिलिंग है ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे और ऊपर से भर के हम धनिया पत्ता गार्निशिंग करेंगे।
और हम धनिया पत्ता को कुक नहीं करेंगे, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप इसको कुक कर दोगे तो इसका जो फ्लेवर है ना एक स्मेल ये ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको गरम गरम फिलिंग का अंदर में धनिया पत्ता को अच्छे से मिलाना है गैस को ऑफ करते हुए। तो लीजिए हमारा फिलिंग तैयार हो चुका है, अब इसको एक प्लेट में ट्रांसलेशन करके ठंडा होने के लिए देंगे और साथ ही साथ हमें फटाफट इस फिलिंग को ठंडा होने के बाद में कुछ इस तरह से हमको गोलाई शेप देते हुए हम स्क्वायर शेप में इसको डिवाइड करेंगे। साइज अपना मेथड छोटा बड़ा अपना हिसाब से आप रख सकते हो। इस तरह से हमने स्क्वायर शेप में इसको शेप दे के फिलिंग को भी रेडी कर लिया है। तो देखते हैं हमारा आटा का डो कितना सॉफ्ट हो चुका है, ये भी अच्छे से सेट होके सॉफ्ट हो चुका है। छोटा छोटा लोइया को इस तरह से तोड़ेंगे और हम राउंड राउंड शेप देंगे एक ही मेथड में। सारा हमने डो को भी लोइया काट के तैयार कर लिया है, अब चलिए हम इसको डिज़ाइन करने तरफ लगते हैं। तो हमें इस रेसिपी यानी स्नैक को बनाने के लिए इस टाइप का प्लास्टिक का आवश्यकता पड़ेगा। इस टाइप की एक मोटी प्लास्टिक का पीस हम लेंगे और जो लोइया काट के रखे थे ना इसको सेंटर में रखेंगे, प्लास्टिक का बीच का सेंटर में, और इसको फोल्ड करते हुए एक कटोरा का हेल्प से हम ऐसे पीछे तली से प्रेस करते जाएंगे जब तक कि अपना साइज का हिसाब से रोटी तैयार ना हो। 3 से 4 इंच का दूरी पे हम रोटी का साइज तैयार करेंगे, ये बहुत इजीली प्रेस होके तैयार हो जाता है, कहीं से टूटेगा फूटेगा नहीं आपका रोटी। तो अब फिलिंग को हाथ में लेंगे और जो हमने रोटी का शेप देके रखा हुआ है इसका सेंटर में रखेंगे और साइड से पानी से हल्का ग्रीस करते हुए रोटी को फोल्ड करेंगे दोनों हिस्सा से पहले और अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले, और बाद में साइड से दोनों साइड से भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से चारों बाजू से प्रेस करें ताकि हमारा फिलिंग फ्राई करते वक्त बाहर ना निकल आए। तो अच्छे से हमारा जो साइज में हमारा फिलिंग का स्क्वायर साइज में उसी स्क्वायर साइज का शेप आके तैयार हुआ है ये स्नैक, तो बन के रेडी है इसका डिज़ाइन। तो अभी हम इसी तरह से बची हुई लोइया से भी 1 by 1 करके इसी तरह से प्रेस करते जाएंगे और शेप देते जाएंगे और इजीली हम सारा स्नैक्स को तैयार करेंगे। हाँ, प्रेस करते समय थोड़ा थोड़ा साइड से फट सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइड से हल्के हल्के फटे तो भी कुछ नहीं है, बस सेंटर बहुत अच्छा रहना चाहिए ताकि हमारा फिलिंग अच्छे से अंदर में रहे और बाहर की ओर ना निकले, ये ध्यान में रखते हुए पानी लगा के हमें अच्छे से प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेना है। यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा एक भी फिलिंग बाहर ना हो फ्राई करते वक्त। तो इस तरह से सारा स्नैक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए हम स्नैक को फ्राई करते हैं। ऑयल हमने पहले से हाई टेम्परेचर में गरम करके रख दिया था और अब गैस का फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे ताकि हमें मीडियम फ्लेम में ही इस स्नैक को फ्राई कर लेना है। जितना इसमें आएगा उतना हम स्नैक्स को ऐड कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में आराम से हम इसको फ्राई होने देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो और बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट हो। इस तरह से हम आराम से 3 से 4 मिनट इसको पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये प्रॉपर फ्राई होके तैयार हो चुका है, अब इसको हम स्टैंडर में छानते हुए बाहर निकालेंगे और आप देख सक रहे हो बहुत अच्छे सुनहरा गोल्डन हो चुका है, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। जी हाँ, और एक बात फ्रेंड्स, जब इस स्नैक को हमने छानते वक्त ये ना कहीं से फटा है ना टूटा है, बहुत अच्छी तरह से हमारा स्नैक बनके तैयार हुआ है। और जो बची हुई स्नैक्स को भी इसी तरह ऑयल में ऐड करते हुए छानेंगे, उलटते पुलटते सारा स्नैक्स को फिर से स्टेनर में छानते हुए बाहर कर देंगे। तो हमारा प्रॉपर सारा स्नैक बनके तैयार हुआ है। तो ये लीजिए हमारा इफ्तार स्पेशल स्नैक्स तैयार हुआ है। अगर आप
हमेशा की तरह इफ्तारी में एक ही प्रकार के स्नैक खा के बोर हो चुके हैं, तो इस स्नैक को जरूर ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही क्रिस्प बाहर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट, और इसका जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग में इसको चार चांद लगा देगा। टूटा के दिखाते हैं हम आपको, तो इस तरह से बहुत क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्प, और इसने ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब भी नहीं किया है, तो बहुत ये हेल्दी का साथ टेस्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपना दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आ रही हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।